हेलो दोस्तों, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े कनाडा की एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज लेके। जी हाँ, कनाडा के जो अभी के रेफ्यूजी और इमिग्रेशन मिनिस्टर है मिस्टर मार्क मिलर, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव सेंटेंस दिया है। जैसे कि शायद आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि एक इश्यू हुआ था जो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ। और जिनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला था और उन बच्चों ने नॉमिनी प्रोग्राम जो स्टेट के लिए इंट्रोड्यूस किया था स्टेट ने, उस नॉमिनी प्रोग्राम के लिए उन्होंने फाइल रखी थी, लेकिन उनका इमिग्रेशन का या पीआर का आंसर नहीं आ रहा था। तो ऐसे बहुत से बच्चे वहां पर टेंशन में थे। तकरीबन उनकी संख्या है 6700, और ये जो नंबर है 6700, ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया है। सो 6700 बच्चे जिनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सपायर हो रही थी और उनका वो स्टेट नॉमिनी के अंदर उनका इमिग्रेशन पीआर का स्टेटस का फाइल का आंसर नहीं आया था, यानी उन्होंने फाइल रखी थी लेकिन फाइल के लिए हाँ भी नहीं कहा गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं गए थे और ना भी नहीं कहा गया था, और उन सारों बच्चों के एक्सपायर खत्म हो रही है। तो कनाडा में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, शायद आपके भी रिलेटिव हो सकते हैं वहां पर, या भी आपके रिश्तेदार के रिलेटिव हो सकते हैं, आपका फैमिली में से कोई मेंबर पढ़ रहा होगा, तो वो लोग टेंशन में रहते थे कि हमारा वर्क परमिट खत्म हो रहा है। जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है पढ़ाई के बाद, फ्री में होता है ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, उसके लिए स्टूडेंट को कोई पैसा नहीं देने की जरूरत होती है। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट को अगर वहां पर ठहरना है, वहां पर आगे बढ़ना, वहां पर रहना है, तो वो लोगों को पीआर अप्लाई करना होता था और उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास लीगली पीआर आ जाना चाहिए था। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि सीआरएस स्कोर बहुत ही हाई अभी हो रहा है, तो वो सीआरएस स्कोर नीचे नहीं आ रहा था। बहुत से बच्चे इसके लिए टेंशन में रह रहे हैं कनाडा में, उनके फैमिली मेंबर भी टेंशन में रह रहे थे, यहाँ पर उनके मदर फादर सारे लोग टेंशन में रह रहे थे और लोग सोच रहे थे कि भाई कनाडा इतने बच्चे गए तो पीआर नहीं होगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह, और ये लोग उसके हिसाब से कोई गलत सलत तरीका भी वो लोग यूज कर रहे थे, यानी पैसे दे के भी किसी भी हालत में LMI लेना और फिर वहां पर सेटल होना या फिर ऐसा कुछ कर रहे थे। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट जो ये मिनिस्टर है जिसके अंदर ये पूरा आता है इमिग्रेशन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह का काम, उन्होंने बहुत ही अच्छा मूव दिया है। क्या वो मूव है, उन्होंने कैसे ये रिलैक्सेशन है, कैसे हम बता रहे हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट आगे जाके आपके लिए और भी पॉजिटिव हो रही है, ये सारे न्यूज की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपका भी कोई ऐसे रिलेटिव्स कैनेडा में पढ़ रहा है या आपके घर के मेंबर ही कोई पढ़ रहा है और आप टेंशन में हो, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। हम जो कह रहे थे आपको, वही चीज हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट, वो पूरा जो कैनेडियन गवर्नमेंट का इमिग्रेशन रेफ्यूजी और सिटीजनशिप कैनेडा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर ये लोग अपडेट रहते हैं। तो ये अपडेट उन्होंने 13 मई 2024 को दिया है। तो ये पूरा स्पीच जो मिनिस्टर ने बोला है, देखिए ये पूरा स्पीच यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा स्पीच है मिनिस्टर का, उन्होंने क्या बोला। इसकी पूरी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अगर आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन हम आपको उसकी मेन हाइलाइट यहाँ पर पढ़ाएंगे। और ये हाइलाइट ये है, देखिए यहाँ से, यहाँ पर उन्होंने क्लियर लिखा है, ऑन दैट इश्यू वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस रिसेंटली, एज माई डिपेंडेंट अनाउंस This week we are working with Manitoba on a temporary measure to extend the open work permit of approximately 6,700 temporary residents. यानी जो 6,700 के आसपास वहाँ के जो बच्चे थे, उनका ये ओपन वर्क परमिट जो था, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, वो एक्सपायर हो रहा था इसी रिसेंट टाइम के अंदर, और उनका पीआर का नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर जो PNP कहलाता है उसमें उन्होंने वीजा की फाइल रखी थी लेकिन उसका आंसर नहीं आया था। तो वो लोग सारे बच्चे टेंशन में थे, हम क्या करें, हम क्या इलीगल हो जाएंगे क्या, या फिर हमारा आगे का स्टेटस नहीं बढ़ेगा क्या, या फिर हमको कोई और तरीके से यूज करके बहुत से पैसे गलत तलत तरीके से किसी लॉयर्स एजेंट्स या फिर कोई भी वहां पर कहा जाता है उनको देना पड़ेगा क्या। तो ये लोग ये बात कर रहे थे, तो उनको ये नहीं देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया। और आगे गवर्नमेंट ने क्या क्या लिखा है वो देखिए, गिविंग द प्रोविंस मोर टाइम टू प्रोसेस देयर एप्लीकेशन अंडर द प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम व्हाइल दे ब्लस्टर देयर प्रोसेसिंग कैपेसिटी।
यानी उन सभी बच्चों को हम एक्सटेंड ऑटोमेटिकली एक्सटेंड देने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ये सारे बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे जाके वो दूसरे जो इमिग्रेशन दूसरे जो स्टूडेंट्स जो टेंशन में है जिनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और उनका पीआर नहीं आया है या फिर पीआर का आंसर नहीं दिया है उन्होंने या फिर सीआरएस स्कोर बहुत ही अप जा रहा है अभी, तो हो सकता है कि आगे जाके उनको भी कुछ रियायत या बेनिफिट या उनके लिए कोई अच्छा सा न्यूज लेके आए कैनेडा। जैसे उन्होंने अगर आप कनाडा के साथ जुड़े हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम से तो आपको मालूम होगा कि जब 2020 हुआ था कोविड का सिचुएशन या फिर 2021 तो दो साल के अंदर कनाडा ने 70 तक जिसके सीआरएस स्कोर हो रहे थे 85 तक जिसके सीआरएस स्कोर हो रहे थे उन सारों बच्चों को उन्होंने पीआर दे दिया था। तकरीबन उस टाइम पर हम बात करें हमारे भी बहुत से उस टाइम के वीडियो है वो भी आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हो, तकरीबन 80,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने स्ट्रेट अवे पीआर दे दिया था। तो हो सकता है आगे जाके ऐसा कोई अच्छा बेनिफिट आए, लेकिन उसके लिए आपको तुरंत अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री या फिर कोई नॉमिनी पीएनपी प्रोग्राम के अंदर पूल में डालनी जरूर रहेगी। अगर आपने फाइल अपने पूल में नहीं डाली है तुरंत डालिए, क्योंकि ये बेनिफिट वही लोग ले पाएंगे जो उसने अप्लीकेशंस किया होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियर है। साथ में दूसरी भी मैं एक लिंक आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ही टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया का जो बहुत ही अच्छा और वेल नोन न्यूज चैनल है उसने भी ये न्यूज को कवर किया है। जी हाँ, यहाँ पर वो स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, कैनेडा ने रिसेंटली अनाउंस किया है, उसके ये मिनिस्टर है मार्क मिलर, उन्होंने देखिए उन्होंने हेडिंग में लिखा है कैनेडियाज फोरम्स ऑफ इमिग्रेशन मिनिस्टर मीट द डिस्कशन द लैंडस्केप ऑफ 2025 टू 2027, यानी कनाडा अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेने के लिए पॉजिटिव है, आगे जाके बहुत ही अच्छी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो लेगा और उसके लिए वो रोड मैप बनाएगा। अभी कनाडा ऐसा बोल रहा है कि ये जो टेंशन हो रही है कभी एलएमआई वर्क परमिट में दिक्कत हो रही है, कभी किसी बच्चों को एक्सपायर हो रहा है वीजा और आगे का एक्सटेंशन के लिए एक्सपायर हो, तो हो सकता है कुछ नई स्कीम नया ऐसा इजी सिस्टम कनाडा लेके आए, क्योंकि अभी स्टूडेंट्सों को क्या होता है एलओए लेना होता है, उसके बाद पार लेटर लेना होता है, उसके बाद एलओए को वेरिफिकेशन करना होता है, उसके बाद एयरपोर्ट पे जाके स्टडी परमिट लेनी है, सारी चीजों को और पासपोर्ट के अंदर वीजा का स्टैम्प तो है ही, यानी बहुत सी चीजें उनको ध्यान में रखनी है। हो सकता है आगे जाके ये लोग कुछ ऐसा इजी सिस्टम लेके आए, तो ये उनका मिनिस्टर का डिसीजन है जिसको अपने इंडिया के बहुत से बड़े न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन कैनेडियन स्टूडेंट्स के बारे में केयर इमिग्रेशन आप तक जल्दी पहुंचाता रहेगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और फॉरवर्ड नहीं किया तुरंत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।